नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सिविल इंजीनियर लोकेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस कोर्स की जो आपको मिल रहा है सिविल इंजीनियर लोकेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज हम निकालेंगे कॉन्क्रीट वर्क का क्वान्टिटी क्वान्टिटी सर्वे करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की डेंसिटी के बारे में जानना होगा जैसे सीमेंट की डेंसिटी चौदह सौ चालीस पर क्यूबिक मीटर है सैंड की चौदह सौ पचास से लेकर के सोलह सौ के जी पर क्यूबिक मीटर है एग्रीगेट की पंद्रह सौ से लेकर के सत्रह सौ पचास के जी पर क्यूबिक मीटर है वाटर की एक हज़ार के जी पर क्यूबिक मीटर है पी सी सी की चौबीस सौ के जी पर क्यूबिक मीटर है आर सी सी की पच्चीस सौ के जी पर क्यूबिक मीटर है और ब्रिक्स की 1900 से लेकर के 2000 हज़ार के जी पर क्यूबिक मीटर होती है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कंक्रीट का जब हम सर्वे करने वाले हैं तो जैसे हम कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट तीनों का यूज करते हैं तब हमें कंक्रीट बनता है चाहे वो आर के लिए हो चाहे वो पी के लिए हो कंक्रीट बनाने के लिए हमें कुछ रेशियोज के बारे में जानना होगा जैसे एम फाइव एम सेवन पॉइंट फाइव एम टेन एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फ़ाइव एम फाइव का रेशियो होता है वन इस टू फाइव इस टू टेन का रेशियो होता है एम सेवन पॉइंट फाइव का रेशियो वन इस टू फोर इस टू एट का होता है एम टेन का रेशियो जो वन इस टू थ्री इस टू सिक्स का होता है एम फिफ्टीन का वन इस टू टू इस टू फोर होता है एम ट्वेंटी का वन इस टू वन पॉइंट फाइव टू थ्री का होता है एम ट्वेंटी फाइव का रेशियो वन टू वन इस टू टू का रेशियो होता है जैसा कि आप जान हैं कॉन्क्रीट रेशियो के बारे में अब एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमने एक स्लेब को लिया है जिसकी लेंथ है फाइव मीटर विर्थ है फोर मीटर और हाइट है ज़ीरो पॉइंट वन मीटर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ विर्थ हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे फाइव मीटर इंटू फोर मीटर इंटू ज़ीरो पॉइंट वन मीटर इसका मल्टीप्लाई करने पर टू क्यूबिक मीटर इसका आंसर आता है टू क्यूबिक मीटर इसका वेट वॉल्यूम है इसे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव फोर का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा वन पॉइंट फाइव फोर के बारे में पहले जान लेते हैं ये किस लिए है जैसा कि आप देख सकते हैं वाट इज़ वन पॉइंट फाइव फोर इन कॉन्क्रीट वैन डिफरेंट ड्राई इन्ग्रेडियंट ऑफ कॉन्क्रीट लाइक सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट मिक्स विद बाय एडिंग वाटर दैन द कैलकुलेसन ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि जो हम कैलकुलेसन करते हैं उस हिसाब से अगर इसमें हम पानी को ऐड करते हैं तो इसकी जो क्वान्टिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है वो कितना हो जाती है वो हम जानते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स ऑफ दीज मटेरियल्स वी सीमेंट हैज जीरो परसेंट हैज सेंड हैज थर्टी फोर परसेंट एंड एग्रीगेट हैज़ ट्वेंटी परसेंट कम्प्रेसिबलिटी इंडेक्स यानी कि जो, जो materials ये जो हमारे मटेरियल्स हैं ये कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स हैं जो सीमेंट है हमारा वाटर मिलाने के बाद में इसकी जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होती है ये जीरो परसेंट है जो सैंड है हमारी उसमें वाटर मिलाने के बाद में थर्टी फोर परसेंट क्वानटिटी है वो कम हो जाती है एग्रीगेट है बीस परसेंट कम हो जाती है यदि हम इसको जोड़ते हैं जीरो परसेंट प्लस थर्टी फोर परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट को तो फिफ्टी फोर परसेंट निकल के आता है वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम हंड्रेड डिवाइडेड हंड्रेड प्लस फिफ्टी फोर डिवाइड हंड्रेड ड्राई वॉलीम इक्वल वेट वॉल्यूम वन प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव फोर ड्राई वॉल्यूम इक्वल वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव फोर इसका जो आंसर है वन पॉइंट फाइव फोर आता है इफ़ वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि जो एक क्यूबिक मीटर के लिए इस्तेमाल हुआ है देन ड्राई वॉल्यूम ऑफ विल बी वन पॉइंट फाइव फोर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि जो कॉन्क्रीट का जो वॉल्यूम था हमारा वो टू क्यूबिक मीटर था अब इसे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वन पॉइंट फाइव फोर का इसमें मल्टीप्लाई किया है जिससे थ्री पॉइंट जीरो एट क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम निकला ड्राई वॉल्यूम इफ़ रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट एम ट्वेंटी ग्रेड का इसमें हमने रेशियो यूज़ किया है वन इस टू वन पॉइंट फाइव इस्टू थ्री का अब हम इसका जो सम कर लेंगे यानी कि इसको तीनों को जोड़ेंगे वन प्लस वन पॉइंट फाइव प्लस थ्री को जोड़ने पर फाइव पॉइंट फाइव इसका आंसर आता है जो हमें आगे कैलकुलेशन में मदद करेगा अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे क्यूबिक मीटर में क्योंकि हमारा जो ड्राई वॉल्यूम था वो क्यूबिक मीटर में था तो हम पहले इसमें क्यूबिक मीटर में ही निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम इन टू पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो यानी कि जो क्यूबिक मीटर में जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला था थ्री पॉइंट जीरो एट मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट यानी कि जो हमारा रेशियो था उसमें एक पार्ट हमारा सीमेंट का यूज़ हो रहा है तो एक हम एक ही लेंगे डिवाइड करेंगे सम ऑफ़ रेशियो यानी कि जो हमने जोड़ा था फाइव पॉइंट फाइव उसका आंसर था इसको इक्वल करने पर आता है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स क्यूबिक मीटर अब हमें इसे के में कन्वर्ट करना होगा के में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट वीडियो के स्टार्ट में हमें आपको डेंसिटी के बारे में बताया था इसका जो वॉल्यूम निकला था जो क्यूबिक मीटर में जीरो पॉइंट फाइव सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे उससे चौदह सौ चालीस के जी पर क्यूबिक मीटर इसका जो डेंसिटी है सीमेंट की एट ज़ीरो सिक्स पॉइंट फोर इसका जो आंसर आया के जी जब हम साइट पर काम करते हैं तो ये सीमेंट हमको बैग्स में मिलता है तो हमें इसे बैग्स में भी कन्वर्ट करना होगा इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल के जी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड के जी ऑफ सीमेंट इन वन बैग यानी कि जितना भी हमारा सीमेंट के जी में निकल कर आया एट जीरो सिक्स पॉइंट फोर डिवाइडेड करेंगे एक बैग सीमेंट से यानी कि जिसको पचास के जी से पचास के जी का एक बैग होता है उससे हम डिवाइड करेंगे सोलह पॉइंट बारह के जी इसका जो बैग से निकल के आता है क्वांटिटी ऑफ सेंड यानी कि जो हम बालू होती है उसका जो क्वांटिटी निकालेंगे क्यूबिक मीटर में जिसका फार्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सेंड डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो ड्राई वॉल्यूम जो निकला था हमारा थ्री पॉइंट ज़ीरो एट था मल्टीप्लाई करेंगे वन पॉइंट फाइव जो कि हमारे कॉन्क्रीट रेशियो के अनुसार वन पॉइंट फाइव यूज़ हो रहा है डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो फाइव पॉइंट फाइव से जिसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो जीरो पॉइंट एट फोर क्यूबिक मीटर निकलेगा अब हमें इसे के में कन्वर्ट करना होगा जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सैंड इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड डेंसिटी हम आपको पहले बता चुके हैं 0.84 इसका जो वॉल्यूम है सैंड का उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1450 केजी पर क्यूबिक मीटर सैंड की डेंसिटी से 1218 सौ अट्ठारह के जी यहाँ पर निकल के आता है साइट पर हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें क्यूबिक फिट में ही देखने को मिलता है क्यूबिक फिट में ही हम उसको मंगाते हैं तो इसको क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करना होगा जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सैंड एन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फिट ऑफ सेंड इन एक क्यूब मीटर यानी कि एक क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक फिट होता है पैंतीस पॉइंट इकतीस यानी कि ज़ीरो पॉइंट एट फोर मल्टीप्लाई पैंतीस पॉइंट इकतीस जिसका आंसर है उनतीस पॉइंट छियासठ क्यूबिक फिट आता है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे यानी कि जो गिट्टी हमारे उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबिक मीटर में ही निकलेगा जिसका फॉर्मूला है ड्राई वॉल्यूम इन टू पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो यानी जो ड्राई वॉल्यूम था उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री का और डिवाइड करेंगे फाइव पॉइंट फाइव का जिससे हमारा जो वन पॉइंट सिक्स एट क्यूबिक मीटर गिट्टी का हमारा जो वॉल्यूम निकला अब हमें इसे के जी में कन्वर्ट करना होगा जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट वन पॉइंट सिक्स एट एग्रीगेट का वॉल्यूम है मल्टीप्लाई करेंगे 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर जिसका 2520 सौ निकल कर आता है एग्रीगेट को भी हम साइट पर क्यूबिक फिट में ही मंगवाते हैं तो इसका भी हम क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करेंगे जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फिट ऑफ एग्रीगेट इन ए क्यूबिक मीटर वन पॉइंट सिक्स एट मल्टीप्लाई थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन इक्वल करने पर आता है 59.32 क्यूबिक फीट कंक्रीट का वॉल्यूम हमारा क्यूबिक फीट में निकल आता है कुछ इस तरीके से आपको इसमें सीट बनानी होगी यानी कि पहले सीरियल नंबर लिखना होगा उसके बाद मटेरियल्स लिखना होगा उसके बाद में क्वांटिटी लिखना होगा सीमेंट की जो हमारी क्वांटिटी थी सोलह पॉइंट बारह बैगज निकली थी और जो सैंड की क्वांटिटी निकली थी वो उनतीस पॉइंट छासठ क्यूबिक फिट निकली थी एग्रीगेट की जो हमारी क्वांटिटी निकली थी वो उनसठ पॉइंट बत्तीस क्यूबिक फिट निकली थी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए इसमें कंक्रीट में कितना पानी मिलाना है वो आप देखेंगे पार्ट टू में तो यदि आप सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वे बिल्कुल कंप्लीट फ्री में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए